हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगी कुल्लू, जो फेमस है अपने एप्पल ऑर्चर्ड्स, टेंपल्स, कैसल्स एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स के लिए। द प्लस पॉइंट इज दैट इट इज स्लाइटली लेस टूरिस्टी देन मनाली, सो परफेक्ट फॉर सम ऑफबीट लोकेशंस। ये हमारा लास्ट डे है मनाली में एंड वी गॉट टू एंजॉय इट टू द फुलेस्ट। आई एम प्लेसिंग द लिंक्स ऑन द टॉप अबाउट द फर्स्ट टू डेज इन मनाली, डू चेक देम आउट टू सी व्हाट सॉर्ट ऑफ एडवेंचर्स वी हैड। So, now let's begin our journey to Kullu. मनाली से कुल्लू के रास्ते में ब्यास रिवर साथ साथ चलती है, which gives a really scenic view to the landscape. हमारा आज का फर्स्ट स्टॉप है नागर कैसल। वैसे तो ये कैसल काफी पुराना है, बट ये फेमस हुआ जबी मेट मूवी से, एंड यहाँ पर वो हिट सॉन्ग ये इश्क हाय शूट हुआ था। पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को सॉन्ग गाकर याद दिलाऊं, तो देन आई थॉट कि नहीं यार, टॉर्चर तो नहीं करना चाहिए ना आप लोगों को। कैसल में एंट्री टाइमिंग्स फिक्स्ड हैं, सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, एंड यहाँ पे टिकट प्राइसेस इज आल्सो क्वाइट रीजनेबल, विच इज़ अराउंड 15 रुपीज़ पर पर्सन, एंड टिकट काउंटर भी कैसल के एंट्री गेट पर ही है, तो वो आपको आराम से मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ का आर्किटेक्चर वुडन और स्टोन बेस्ड है। एक मंदिर भी है कॉम्प्लेक्स में, बट वो टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है। कुल्लू के राजा सिद्ध सिंह ने कैसल 1460 में बनवाया था, और 1978 में ये कैसल को हेरिटेज हाउस में कन्वर्ट कर दिया गया था बाय हिमाचल टूरिज्म। सो इफ़ यू वुड लाइक, यू कैन ऑल्सो बुक अ स्टे हियर। फर्स्ट फ्लोर पे रूम्स है और एक रेस्टोरेंट भी है, जहाँ से कुल्लू वैली का बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। हमने भी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लिया चाय नाश्ते के लिए। कैसल में एक बेसमेंट भी है, एंड लेट मी टेक यू देयर नेक्स्ट। हिमाचल का टूरिज्म डिपार्टमेंट इस कैसल में एक म्यूजियम एंड आर्टिफैक्ट्स मेंटेन करते हैं, एंड बेसमेंट में हमें उसमें से कुछ इंट्रिकेट स्टोन स्कल्पचर्स दिखे, बट सैडली नॉट मच डिटेल्स हियर। ऑल्दो ऑफिशियल साइट पे मेंशन है कि इसमें से कुछ स्कल्पचर्स काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, एंड दे गो बैक टू 1500s और सो। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलती हूँ एक ऑफ बीट वाटरफॉल पे, जिसका नाम आपने शायद ही सुना होगा। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, और मनाली के जोगिनी वाटरफॉल जैसे बिल्कुल भी फेमस नहीं है। तो अगर आप लेस क्राउडेड वाटरफॉल देखना चाहते हो, तो डू विजिट दिस वाटरफॉल। एंड फाइनली नाउ रिवीलिंग द नेम एज सजला वाटरफॉल्स, और मैं इसकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, सो दैट यू कैन सेव इट एंड यूज इट फॉर योर फ्यूचर ट्रिप एज वेल। सो गाइस, आई वुड लाइक यू ऑल टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू डिसाइड टू विजिट दिस वाटरफॉल। वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए कुछ 30 to 45 minutes की ट्रैक करनी पड़ती है, एंड रास्ता भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो माय फर्स्ट रिकमेंडेशन वुड बी कि प्लीज़ वेयर गुड शूज़ और स्नीकर्स, वट एवर यू आर कम्फर्टेबल विद, एंड ऑल्सो बीच बीच में रास्ता काफ़ी पतला हो जाता है, सो प्लीज़ वॉक केयरफुली। रास्ते में साथ साथ में नीचे एक हाई है, हाँ ऑब्वियसली बहुत डीप नहीं है, बट काफ़ी जगह पे ऐसा है कि बैरिकेडिंग नहीं है, एंड ट्रिप करना काफ़ी आसान है बिकॉज रास्ता बहुत कच्चा है। तो बेटर टू बी सेफ देन सॉरी लेटर ऑन। फाइनली हम वाटरफॉल पहुंच ही गए। मुझे तो रास्ते में काफ़ी मज़ा आया, इनफैक्ट हमारे साथ एक डॉग भी चल रहा था साथ साथ में पूरे ट्रैक पे। एंड पहाड़ों पे आओ तो मैगी तो बनती है ना, तो बस हमने भी मैगी और चाय ऑर्डर करी, थोड़ी देर फोटोज़ क्लिक करी, चिल किया वापस जाने से पहले, एंड वी हैड अमेजिंग टाइम हियर। जैसे वी ऑल नो, पहाड़ों पे मॉनसून्स में जाना सेफ नहीं होता, बट गॉश मॉनसून पे एवरीथिंग लुक्स सो लश ग्रीन, इट रियली इज़ अ ब्यूटिफुल वेदर टू विजिट, बट ऑब्वियसली वेदर एंड सेफ्टी कंसिडर करने के बाद ही ट्रिप प्लान करनी चाहिए। जस्ट टू पुट इट आउट, हमने मनाली जून में विजिट किया था, एंड इट वॉज टेक्निकली स्टिल समर्स, एंड वी ऑल नो हाउ अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून्स आर, दे केम अर्ली दैट ईयर, सो वी गॉट टू एक्सपीरियंस मनाली इन मॉनसून, एंड येस इट हैज इट्स सेट ऑफ डिफिकल्टीज। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस पीपल फेस आर अराउंड द लैंडस्लाइड्स। थैंकफुली हमारे विजिट में नहीं हुए लैंडस्लाइड, बट इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं एंड पीपल आर स्टक फॉर सो लॉन्ग। वन ऑफ द इशूज आई फेस वॉज विद माई स्टूपिड फोन। वैसे तो उसने मेरा बहुत साथ दिया है इतने साल, बट मानसून में इट वॉज नॉट एबल टू कैप्चर गुड पिक्चर्स, विच मेड मी रियली सैड एंड बिट अनॉयड टू एज वेल। मनाली जाओ और अच्छी वीडियोस ना आए तो थोड़ा दुख तो होगा ही ना।
वैसे ये मेरी सेकंड विजिट थी मनाली में, पहले बचपन में गई थी तो तब की मेमोरीज इन टर्म्स ऑफ फोटोज और वीडियोस बहुत ही कम है, तो आई रियली वांटेड सम गुड पिक्चर्स दिस टाइम। थैंकफुली माय कजन्स ब्रांड न्यू फोन हेल्प्ड अस आउट एंड दिस रैप्स माय मनाली सीरीज फॉर नाउ। होपफुली कभी हम अपर हिमाचल गए तो शायद मनाली आने का मौका दोबारा मिलेगा हमें। I hope you guys enjoyed coming along with me to Manali. Thank you for watching. Do not forget to hit the like button and subscribe to my channel for more exciting travel videos. Until next time, happy travels!